यहाँ वॉक करती हूँ, जो भी कमरे से निकलती मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, बात करना चाहती हूँ, मैं बात करती हूँ। एक डॉगी है, कौ 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 करते हैं, छोटे डॉगी सब मुँह है उसका का। जब मैं सामने गई उसने तुरंत मुँह घुमा लिया अपना। मैं जा रही हूँ कूड़ा फेंकने, कूड़ा जमते मैं इतनी बार फेंक के आती हूँ ताकि बिल्कुल भी कमरे में जमा ना हो। वो हमेशा कहते थे भगवान इतने निर्दयी थे, मैं तो लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, भगवान सब देख रहे हैं, मगर वो एक दिन छोड़ के चले गए और उसके बाद मेरा शायद यही ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी इसी को बोलते हैं, संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता किसी किसी की लाइफ में, मगर हर किसी की लाइफ में मुझे लगता है कुछ ना कुछ संघर्ष है, हर किसी की लाइफ में संघर्ष है। लाइफ कभी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस जो कहते हैं, संघर्ष है तो लाइफ है, संघर्ष नहीं है वो लाइफ नहीं है ना। बात करते करते मेरी चाय ठंडी हो गई। मैं हर रोज ऑलमोस्ट ठंडी चाय पीती हूँ, चाय बना के रख के इधर उधर के काम में लग जाती हूँ और मेरा चाय हर रोज ठंडा हो जाता है। ऐसी होती है ना हाउस वाइफ की ज़िंदगी, अच्छा लगता है मुझे। जो भी घर का वो जिसका फ्रिज में रखना है रख रहा है, जिसको इधर रखना है रख रहा है, बहुत काम करता है वो, घर में भी और बाहर भी, समझता है मेरे दर्द को, मेरी खुशी को। मेरा दर्द मेरा खुशी बस मेरा बेटा समझता है। वो काम पे जाता है और काम से मेरे को मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, मॉम रेस्ट एकदम टाइम से लेना, तुम काम करते हो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और टाइम पे रेस्ट जरूर लेना, टाइम से खाना खाना। और कोई नहीं बोलता मेरे को ऐसे, क्या करता कोई नहीं पूछता मुझे खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे हो, बच्चा ही पूछता है बस। आज मेरे हस्बैंड जिंदा हुए थे, बहुत खुश हुए थे मुझे देख के यहाँ। वो मुझे कितनी बार लंदन लेके आना चाहते थे, मैं कभी नहीं आई, अगर मैं आ जाती तो फिर भी उधर कौन देखता, मैं कभी नहीं आई छोड़ के, सांस अकेली थी ना। और मेरे हस्बैंड तो पूरी ज़िंदगी मतलब लंदन में बिताया उन्होंने, आज वो मुझे देख के बहुत खुश होंगे, और मैं भी कनाडा में अपना ज़िंदगी पूरा बिताऊँगी उनके बेटे के साथ। जब मैं रोती थी कभी बिस्तर पे लेटे लेटे, वो सिराने पे आके मेरे को बोलते थे मैं हूँ ना कभी मत रोना, और मेरे सिर पे हाथ फेरते थे बच्चों की तरह, छोटी थी ना मैं बहुत, 14-15 साल की छोटी थी, ज़्यादा नहीं। तो मैं रोती थी तो मेरे से डबल रोती थी वो, मैं कभी रोती थी तो। मेरे को हर रोज़ कैथलीन का पूरा केक चाहिए होता था, तो वो हर रोज़ हिंदुस्तान होटल के ऑपोजिट में कैथलीन का
शॉप है बहुत बड़ा, तो वहीं से हर रोज़ लेके आती थी। तो एक बार रात के 11 बज गए थे, मैं इंतज़ार करती रहती थक गई थी केक के लिए, और मेरा केक नहीं आया था। जब कर लो तो मेरा केक नहीं आया था, 11:30 होगा था, और मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि मेरा केक नहीं आया था। मैं बहुत रोना धोना कर रही थी और बोला अभी पहले जाओ, हमारे घर के सामने हावड़ा में एक कैथलीन का दुकान है, तो वो दुकान खुलवा के रात को 11 बजे मेरे लिए कैथलीन का केक आया था। वो खा के फिर मैं शांत हो गई थी। मैं हर रोज़ खाती थी, हाँ बिल्कुल नहीं खाती, बड़ी हो गई ना। वो बोलते थे तुम उसे बिस्तर में बैठे रहोगी, तुम कहीं नहीं एक पाँव नहीं उतारोगी ज़मीन पर, बिस्तर में बैठ के सिर्फ ऑर्डर करो तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे। सच में ऐसा ही होता था मेरी लाइफ में। फिर पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ खो गया। हेलो पीपल, आई मिस इंडिया लॉट, बट देयर इज नो वे दैट आई कैन गो बैक टू इंडिया अगेन। I have to spend my life here only. Love you guys. Love you India. Love you mom, dad and everyone. From Walmart came while I was taking around after mid-morning meal. Son took the delivery. Green tea. पता है मुझे चलते चलते नहीं पीना चाहिए, अगर मेरा मन किया, जो मेरा मन करता है उसको करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।